वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाला था दी एनर्जी, एनर्जी थोड़ा सा हम लोग वर्क के बारे में और एनर्जी। देखो वर्क एंड एनर्जी बोथ रिलेटेड टू ईच अदर। तो एनर्जी पढ़ने के पहले थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग वर्क के बारे में भी थोड़ा सा एक दो लाइन कुछ पढ़ लें। तो पहला आते पहले वर्क के बारे में समझते हैं, आप वर्क किसको बोलते हो। देखो कॉमन लैंग्वेज में तो हर एक बार जब भी मेरा वीडियो आया होगा वर्क के बारे में हमेशा समझाए होंगे कि वर्क जो फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन है और अपना जो कंसेप्ट है वर्क के बारे में, बोथ कंसेप्ट आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि वर्क का जो कंसेप्ट है फिजिक्स में ये कंसेप्ट अलग है और अपना जो सोशल कंसेप्ट है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वर्क किसको बोलते हो आप, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो एंड ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन द डिरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्प्लेस करता है इन द डिरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आप क्या बोलोगे, वर्क। तो वर्क इतना ही है। अब हम बात करते हैं क्या, क्योंकि मेन जो हमको बात करनी है ये चैप्टर अपना जो है दैट इज अबाउट द एनर्जी। तो हम बात करें किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो वर्क होप समझ गए होंगे, क्योंकि एनर्जी जो है दैट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का जो डेफिनेशन होगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखूं फिर उसके बारे में बात करेंगे एनर्जी। तो आप एनर्जी क्या बोलते हो, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी। तो मतलब वर्क करने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आप क्या बता रहे हो, एनर्जी बता रहे हो। प्रॉपरली समझिएगा, तो वर्क करने की ये कैपेसिटी है तो आप क्या, एनर्जी आया। मतलब क्या एग्जैक्टली ये है, क्या ये एग्जैक्टली वर्क डन है। लेकिन अब इस बार हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि वर्क डन कितनी और वर्क डन करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितनी है। इस बात के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके लिए अपने पास एक सेपरेट टर्म आ जाएगी, एनर्जी। प्रॉपरली समझिए, जब फोर्स लगा रहे थे हम और फोर्स लगाकर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, तो उस डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा रहे थे एंड फोर्स लगाने के बाद हम जब डिस्प्लेसमेंट लाते थे तो पूरा टर्म्स को मिलाकर हमने एक वर्ड दिया था, एक वर्ड डिसमिस बोला गया, क्या वर्क। लेकिन सॉरी, इस बार जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, आप काम तो करते हैं लेकिन उस काम करने की एक्सटेंट क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। अब इस बारे में जब आप बात करना स्टार्ट करेंगे, इस बारे में जब आप डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो फिर दैट इज सेड टू बी द क्या कहलाएगा, एनर्जी। तो सेपरेट टर्म्स उसके लिए एक रख रखा गया है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये बोथ तो ऑब्वियसली होप डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। तो हम लोग जो आज बात करेंगे, एनर्जी डेफिनेशन तो बात कर ली, इसके क्या कर देंगे यूनिट के बारे में, यूनिट के रिलेशन के बारे में और जो अपने पास है जो कॉमन टर्म्स हैं उसके बारे में, तो ये सारा बात करेंगे आज। तो एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी बोथ समझ में आ गया। तो हर एक डेफिनेशन के बाद जो होता है ऑब्वियसली डेफिनेशन के बाद क्या करना होगा, तो यूनिट लिखनी होगी, यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट, यूनिट में आप देखो क्या, बोथ वर्क एंड एनर्जी, क्योंकि बोथ आर द सेम थिंग, वन इज द कैपेसिटी एंड अदर इज द क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऐसा सिस्टम में क्या आ जाएगा आपके पास, जूल, और सीजीएस सिस्टम में जो निकल के आएगा दैट इज द अर्ग, बोथ। तो दोनों के लिए आपके पास जो निकल के आएगा दैट इज द जूल एंड अर्ग। अच्छा, अब जूल एंड अर्ग तो निकल के आ गया, बहुत बार होता है क्या, आप से पूछा गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्या आ जाएगा एनर्जी, आपने लिख दिया जूल, आपसे बोला गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम अर्ग, लेकिन 99% केसेस में आपको पता ही नहीं होता है क्या जूल क्या है और अर्ग क्या है। तो आप सिर्फ रट्टा मारते जाते हो क्या, जूल अर्ग, जूल अर्ग। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जूल एंड अर्ग को भी डिस्कस करेंगे एंड जूल एंड अर्ग का रिलेशन भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास 8 में आप आ चुके हो और क्लास 8 के बाद देखो जरा साहब मिस बहुत सारे चीज़ें जो है क्लास 10 में आपको क्या करेगा, फॉलो होगा। तो यहाँ आपका स्टडी एक सिस्टमैटिक तरीके से और एक पूरा ब्रॉड वे में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जरा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास, तो हमने क्या क्या वर्ड यूज किया, ऐसा सिस्टम में जो अपना यूनिट निकल के आ गया जूल एंड सीजीएस सिस्टम में जो निकल के आ गया अर्ग। अब हम जूल एंड अर्ग दोनों का पहले डेफिनेशन करते हैं,
और डेफिनेशन के बाद फिर दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड रिलेशन, ये दोनों चीज़ें हम लोग क्या करेंगे पहले डिस्कस करते हैं। तो जरा सा आ जाओ, हम जूल एंड अर्क दोनों की बात कर लेते हैं। जूल, जूल के बारे में बात करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप बात करते हो कि वन जूल की बात कर लो, यहाँ से वन जूल शॉर्ट में लिखते हैं, इक्वल्स टू मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, वन न्यूटन इंटू वन मीटर। सो इफ मैथमेटिकली जूल इज एक्सप्रेस्ड, इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, वन जूल इक्वल्स टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर। और अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी बहुत आसान हो जाए, आप जनरली चीज़ों को ऐसे ही इतने छोटे छोटे टर्म्स में क्या करो, अपने पास रख लो। अब इस छोटे छोटे टर्म्स में तो रख लोगे, लेकिन आप बोलोगे सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि इससे तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होता, इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होता, सच बात है। लेकिन आप क्या करो, आप इस फॉर्म में रख लो और इन्फॉर्मेशन रिवील करना आप सीख जाओ। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन रिवील करना आप सीख जाओगे, आपको लगेगा क्या, एक एक चैप्टर जो है आधे आधे पेज में खत्म हो जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे वन जूल इक्वल्स टू आपने क्या बोला, वन न्यूटन इंटू वन मीटर। अब इसका डेफिनेशन क्या देना होगा, वन जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन प्रॉपरली, या वन जूल ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी स्पेंड इफ यू आर डिफाइनिंग इट फॉर द वर्क, आप वर्क लिख सकते हो। एंड इफ यू आर डिफाइनिंग इट फॉर द एनर्जी, यू कैन रिप्लेस इट बाय पुटिंग द वर्ड एनर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे, बोथ द डेफिनेशन विल बी द करेक्ट, वर्क लिखो या एनर्जी लिखो। सो वर्क ही लिखते हैं या एनर्जी, जो मन करे। वन जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, मैथमेटिक पूरा का पूरा कैसे सजा हुआ है, वन जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वन न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड, हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, वन न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेज इट थ्रू वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो डेफिनेशन अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया, सिंपल सा, वन न्यूटन का हमने फोर्स लगाया था, वन मीटर का मेरा डिस्प्लेसमेंट था, एंड दोनों ही टर्म्स को हमने क्या किया, अपने डेफिनेशन में यूज कर दिया। सो इफ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन में लिख देता हूँ, वन जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, वन जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, सेड टू बी डन व्हेन वन न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड, न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेज इट थ्रू वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ऑब्वियसली आपको समझा दिए कि बस इतना सा अगर आपको लिखना था, और ये तो आप अपने आप लिख लोगे, यहां से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपके पास, ये तो जूल की बात रही, तो जूल मेरे पास ऑब्वियसली क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि अर्ग की, तो अर्ग वन अर्ग इक्वल्स टू ऑब्वियसली आपको फोर्स भी लगाना होगा और आपको डिस्प्लेसमेंट भी लाना होगा, दोनों काम करना होगा आपको, फोर्स भी लगानी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी लाना होगा। तो आप क्या लिखोगे, वन अर्ग इक्वल्स टू वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर। तो वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर जो है ये आपके पास क्या निकल के आ गया, मीन्स वन अर्ग निकल के आ गया। अच्छा अब क्या बोलोगे आप कि वन अर्ग ऑफ जूल तो हो गया था, वन अर्ग ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वन डाइन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेज इट थ्रू वन सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या हो गया, अर्ग का डेफिनेशन। तो देखो इतना सा लिखने के बाद ये इतना लंबा चौड़ा बात क्या हो गया, आप आराम से लिख सकते हो। फिर से रिपीट करूं या लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, one arc of work, one arc of work is said to be done, work is said to be done when one dyne of force applied on an object displaces it through one centimeter in the direction of
अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये देखो, ये दोनों का दोनों मेरे पास क्या हो गया, डेफिनेशन निकल आया, किसका, जूल का भी और अर्क का भी। अच्छा, अब ये डेफिनेशन के बाद एक और अपने पास क्या होता है, यूनिट आता है इसका, कैलोरी। कैलोरी की हम बात में करेंगे। तो पहले अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं, रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि जूल एंड अर्क के बीच में एग्जैक्टली रिलेशन है कैसा। तो जूल एंड अर्क के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको स्टार्ट कहाँ से करनी होगी, ऑब्वियसली जो, तो जूल एंड अर्क, चलिए जरा सा। तो जूल देखो, ऐसा में मेरे पास क्या था, जूल है, और CGS में क्या है मेरे पास, अर्ग है। तो आप बोलोगे सर ये बिगर यूनिट है और ये क्या है, स्मॉलर यूनिट है। तो जब भी देखो आपके पास किसी भी दो के बीच में सेम आपके पास यूनिट है, सेम क्वांटिटी के लिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर मेरे पास दो यूनिट है, वन इन CGS सिस्टम एंड वन इन SI सिस्टम, और हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर फाइंड करनी हो, हमेशा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो मेरे पास ऐसा सिस्टम, मतलब जो मेरे पास बिगर यूनिट है, हमेशा आप वहाँ से स्टार्ट करोगे और फिर क्या, CGS यूनिट की तरफ मूव करोगे, कोशिश करोगे कि CGS यूनिट को हम अचीव कर लें। फिर से हम लिख देते हैं, वन जूल इक्वल्स टू, आप बोलते हो क्या, वन न्यूटन इंटू वन मीटर, एंड वन अर्ग इक्वल्स टू वन डाइन इंटू वन सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड है। चलो जरा सा अब रिलेशन फाइंड करनी है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, जूल से स्टार्ट करोगे। तो आप लिख दो जरा सा, वन जूल इक्वल्स टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर। अब प्रॉब्लम ये आया, क्या हमको जूल तो मेरे पास है, और इस पोर्शन वाले जो मेरा राइट साइड का जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हमको कन्वर्ट करनी है किस में, अर्ग में, ऑब्वियसली। तो अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास चाहिए क्या क्या, आपके पास चाहिए डाइन और आपके पास चाहिए सेंटीमीटर। दैट मीन्स न्यूटन इज टू बी कन्वर्टेड इंटू डाइन एंड द मीटर इज टू बी कन्वर्टेड इंटू सेंटीमीटर। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं सो ऑब्वियसली मेरे पास क्या हो जाएगा, अर्ग के लिए मेरे पास एक क्राइटेरिया तैयार हो जाएगा। तो देखो, जब आप न्यूटन एंड डाइन का आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चला होगा उस समय आप रिलेशन किए होंगे कि वन न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन, एंड ये रिलेशन अगर आप किए हो तो ठीक, और अगर नहीं किए हो तो जब हम फोर्स का वीडियो बनाएंगे तो उस समय आपको ये रिलेशन हम बिल्कुल समझा देंगे, वन न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन कैसे होता है। सो वन न्यूटन इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो 10^5 डाइन इंटू वन मीटर, तो मीटर को आपको चेंज करने की इसमें सेंटीमीटर में, सो दैट विल बी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया। तो आप बोलोगे सर अपने को जो जो चीज़ें चाहिए थी, अपने को चाहिए थी डाइन चाहिए थी और सेंटीमीटर चाहिए थी, सो अपने पास अब डाइन भी आ चुका है और ये सेंटीमीटर भी आ चुका है। सो अगर आप इसको देखो, 10^5 इंटू 10^2 और ये क्या आ जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। सो 10^5 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर, दैट विल बी दी अर्क। सो 10^7 अर्क। सो वन जूल विल बी इक्वल्स टू दी 10^7 अर्क। तो ये आपके पास, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्क, एंड वन इज द अदर यूनिट कैलोरी। क्या लिखते हो आप, कैलोरी। अब आता है कि कैलोरी, दैट इज द प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द एनर्जी, दैट इज द कैलोरी। अब कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, प्रॉपरली समझिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, यूनिट मास ऑफ वाटर बाई 1°C इज सेड टू बी 1 कैलोरी। प्रॉपरली आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कैलोरी क्या बोले, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की आपको जरूरत होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज सेड टू बी 1 कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। दैट इज द अप्रॉक्स, 4.2 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू इज 4.187, बट 4.187 इज नॉट टेकन वाइल डूइंग द कैलकुलेशन। सो वाइल डूइंग द कैलकुलेशन वी टेक इट 4.2 जूल, एंड वी राइट इन द ब्रैकेट, दैट इज द अप्रॉक्स वैल्यू, इट इज द नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट इट इज द अप्रॉक्स वैल्यू दैट वी टेक टू डू द कैलकुलेशन। तो कैलोरी अंडरस्टूड ना, तो
इस वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी समझ लिया, वर्क समझ लिया, यूनिट समझ लिया एंड ऑब्वियसली रिलेशन समझ लिए, कैलोरी समझ लिए। तो इतने जो बेसिक टर्म्स थे एनर्जी के बारे में, वो सारे के सारे बेसिक टर्म्स वी हैव अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी वी विल स्टडी। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी और उसके रिलेशन जो भी हैं वो सारे डिस्कस करेंगे।